पुरी रे राज्यस्तरीय गो नवरात्र महोत्सव अंतिम दिन नवरात्र महोत्सव गो सेवा क्षेत्र में ओडिशा को अधिक क्रियाशील करने एक महान प्रचेषा कर गोपालन एवं गव्य पदार्थर उपयोगिता गो संवर्धना गो सुरक्षा एवं संरक्षण गो आधारित जैविक कृषि इत्यादि विषय वस्तु उपरे आधारित एक कार्यक्रम लोक मानक जागृत करिछि। गुरु गोविंद गो सेवाश्रम ओडिशा गो सेवा समिति हरिहरानंद गोकुलम पक्षर पुरी रे गत 2 तारिखर राज्यस्तरीय गो नवरात्र महोत्सव आयोजन करा जायछि। आजर अंतिम दिवस रे विभिन्न कार्यक्रम मध्ये रहिछि। ये कार्यक्रम पुरी रे अनुष्ठित होउछि राज्यस्तरीय गो नवरात्र महोत्सव रो अंतिम दिन। आज नवरात्र महोत्सव रो अंतिम दिन रे किभली भाव रे ओडिशा को अधिक क्रियाशील करबा पई गोटे महान प्रचेष्टा करा जाउछि। गो पालन गव्य पदार्थर उपयोगिता गो संवर्धन गो सुरक्षा एवं संरक्षण गो आधारित जैविक कृषि इत्यादि विषय वस्तु संपर्क में आधारित कार्यक्रम लोक मानक जागृत करिछि। अर्थात गो पालन मुख्य उद्देश्य सहित गव्य पदार्थ किभली उपयोग करि परबा कृषि क्षेत्र रे ताको उपयोग करि परबा एहाकु नेक मध्य सचेतन करा जायछि। रश्मिता को सीधा सड़क आलोचना पई जुड़ी होउछन्ते। रश्मिता किभली देखुछन्ते कार्यक्रम अंतिम दिवस को के उपस्थित अछन्ते किभली आलोचना चक्र चलिछि। देखु मोनिका जितुक आम गो सेवा कथा कहूँ गो पूजा कथा कहूँ तेज यार विशेष महत्व रोचे और सनातन धर्म जदि कथा कह तेज सनातन धर्म रे यही प्रकार पूजार आवश्यकता रोच देखिपे मो पछपटे बर्तमान परेश रही जेहेतु आज हूँ आउ एक पवित्र दिन जोटा कि गो नवरत्र जो चली था 9 दिन धरी चली था। यही 9 दिन में यह हूँ शेष दिन आज हूँ पूर्ण आहुति एवं पूर्ण आहुति जदि आम कह तेज पूजा अर्चना चली आज अणा नवमी जेहेतु रही अणा गछरे पूजा चली विभिन्न जगार साधु संत मैंने आसी गोटे विराट सुंदर भाव में ये आयोजन रही बर्तमान मंत्रपाठ कर राधा पाद दर्शन गोटे विशेषत्व रोचे अणा नवमी दिन तेज आश्रम जदि कह तेज गोमाता पूजा करने सहित यही प्रकार पूजा अर्चना अणा गछरे चली देखिपे आम गुरुजी निकट को बर्तमान ये बसी अनेक श्रद्धा आसी प्रतिक्रिया नवा जो मैंने ठीक आसी पूजा चली तेरे पूजार विशेषत्व कौन रही देखा चाहिए अपन देखुं पूजा सीधा सड़क दृश्य यापर जदि कह तेरे जो गो नवरत्र रोच यार पूर्ण आहुति करण पर पूर्ण आहुति विभिन्न जगार साधु सत मैंने आसुच्च देखुं भक्त कि भाव भिड़ रही आम भक्त पार्ट्रे पचारे कि गुरुजी बस प्रथम आम गुरुजी निकट को जीवा गुरुजी आम सब देखीचु गो पूजा कराऊ गो नवरत्र चली किंतु आज अणा नवमी अणा गछर भी पूजा चलती यार विशेषत्व कौन रही आज पूर्ण आहुति रही गो नवरात्रि एक प्राचीन कालर पालित होता वैदिक परंपरा कालक्रमे भूली गलु एवं तार पुनः प्रवर्तन बेस किछि वर्ष हला चलिछि। गो नवरात्रि गोमाता आधार करी केवल गो वंश नुहंती धरित्री पर्यावरण परिवेश एवं सृष्टिर मंगल पाई गोमाता आराध्य देवता हिसाब से 9 दिन पालन करा हुए। ये 9 दिन आरंभ होची कार्तिक मास शुक्लपक्ष प्रतिपदा गोवर्धन पूजा दिन ठू एवं तार अंतिम दिन हूँ नवरात्रि आज जहाँ को आम अँला नवमी बोली कहू अक्षया नवमी। आज दिन में गोमाता जगद्धात्री रूप से धरित्री को जगद्धात्री रूप से अँला गछ को मध्य जगद्धात्री रूप से पूजा करा हुए। आज जेहेतु अंतिम दिन आपको ओडिया कह अँला नवमी ताको अक्षया नवमी बोली कहती अक्षया नवमी हूँ अँला गछ गछ नुहे जमी तुलसी बिल्ल ये सब साधारण वृक्ष नुहत तो सेमती आमलकी शब्द रही जी मनर मल जीवनर मल सृष्टिर मल को नाश कर शक्ति जहाँ भितर अच्छे तो अँला गछ को जगद्धात्री रूप से
गोमाता जगद्धात्री रूप से धरित्री को जगद्धात्री रूप से पूजा करिवार विधि समस्त मंगल हो समस्त मंगल हो। आप शुणुले अनेक साधु सन्त विभिन्न जगार आम प्रतिक्रिया ना महाराज आप आसी आज ये नौ दिन धरी चली तो केमी गोदावरी आप आसी केमती कौन ये पूजा अर्चना रही था विशेषकर महत्व केमती है देखु ये गो नवरात्रि आम भगवान श्रीकृष्ण समय चली आस भगवान श्रीकृष्ण जोबले इंद्र वर्षा करते आ गोवर्धन को भगवान सात दिन सात रात पर्यंत धारण करते गो नवरात्रि कब से चली आस कार्य तो आज जो अक्षय नवमी यक्षय नवमी कौन सी पुण्य कार्य कराए से पुण्य सबुदिन अक्षय हो जाए आमर वृंदावन में एमती प्रचार अच्छा कि वृंदावन में लक्ष लक्ष भक्त वृंदावन एवं मथुरा ताको जुगल परिक्रमा कहते वृंदावन मथुरा परिक्रमा करती अक्षय पुण्यर आशा करती श्री राधाकृष्ण चरण से प्रार्थना करती कि चरण से आम प्रीति हो गोमाता संवर्धन हो तेणु आज अक्षय नवमी में कौन सी पुण्य कार्य विशेष भाव अंला वृक्ष पूजा आउ धात्री फल अंकना आंकर पूजा कले आ गोमाता विशेष कौन सी गोग्रास कौन सी गोमाता सेवा कले से फल अक्षय हो जाए तेणु आज दिन बहुत पवित्र दिन पवित्र दिन अच्छे आम चाहबू अलग जगार अनेक जगार साधु सन्त आसी विभिन्न जगार पूजा अर्चना चली देखुं विशेष जमी कहले आज अक्षय नवमी कहा जाए आज दिन में जदि अँला गछर पूजा कराए तो अनेक पुण्य मिली था तो यही प्रकार कह आज पूजा चली विभिन्न जगार साधु सन्त मैंने आसी सहित जदि कह तेज श्रद्धा मैंने आसी अँला गछ ते समस्त बसी पूजा अर्चना चली कि महिला प्रतिक्रिया ना जो श्रद्धा आसी पचार भौणी आज अणा नवमी अच्छे आपने आसी पूजा चली शांति लगुच बहुत भल लगुच आज दिन में अँला गछर पूजा करा बहुत पवित्र कह जाए हाँ से आम आश्रम आम गुरु दीक्षित आश्रम आसी कर भुवनेश्वर प्रति वर्ष ये आस मासी जदि आपको कह अँला नवमी आम नवरत्र आम जिते आप देखो ये पूजा अर्चना करा जाए था केमती कौन रोच अँला गछर कौन कह मासी अँला गछर आम पूजा कर आम अँला गछर पूजाटा आज दिन में करें राधापाद दर्शन कह जाए अँला नवमी अँला जेहेतु गोटे बहुत स्वास्थ्यकर फल एवं देह बहुत भल स्वास्थ्यकर देखो आउ किसी समय पर पूर्ण आहुति आरंभ हम आम देखू आप पूर्ण आहुतिर जगह जोटी की गोपूजा किंतु वर्तमान आज जेहेतु अँला नवमी रही आज हूँ शेष पूर्ण आहुति दिजिव से आज यही जगार प्रथम अँला गछर पूजा करापी कह तेब पूर्ण आहुति आरंभ हम एवं से गोमाता पूजा कर चाहिए आपको से स्थान को नापी आम चेस्टा करवा किंतु जेहेतु आश्रम विभिन्न जगार रोच पूजार महत्व रोच अनेक स्थान से ही जगार किसी स्थान में अलग अलग भाव में पूजा कर जो जगह अच्छे अँला गछ चली अँला गछ जो जगार अच्छे से पूजा करेतु आगू जदि आम जाए यू दूर बाटे रही जोटी की पूर्ण आहुति दिजिव से ही जगार किसी समय पर पहुँचबू कारण बर्तमान सब साधु सन्त जदि कह गोटेपटे गो नवरत्र महोत्सव आयोजन अनेपटे तो आज अँला नवमी श्री राधापाद दर्शन एथपाई विभिन्न पूजा अर्चना जारी रही महिला माने अँला नवमी अवसर रे पूजा अर्चना करुछंती। धन्यवाद तमाम सूचना आलोचना पाई। रश्मिता सिद्धार्थ पुरी रु दृश्य देखाउथले।